अस्सलामुअलैकुम फोर क्लास का हमने इसके ट्रू फॉल्स भी कर लिए थे, ब्लैंक्स भी कर ली थी और हमने इसकी चूज द बेस्ट भी कर लिए थे। आज हमने इसके क्वेश्चंस करने। एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव लॉ इन अ कंट्री। क्यों एक मुल्क के अंदर जो लॉज है उनका होना ज़रूरी है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव लॉ इन अ कंट्री। एक मुल्क में लॉ का होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज क्योंकि विदाउट रूल्स, रूल्स के बगैर, असूलों के बगैर थिंग्स डू नॉट रन सो स्मूथली। चीज़ें जो है वो सही तरह से नहीं काम करते। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाउ डज द पुलिस हेल्प इन अपहोल्डिंग द लॉ। किस तरह से पुलिस जो है वो लॉ को यानी कि ओबे करने के लिए किस तरह से मदद कर मददगार साबित होती है? द पुलिस फोर्सेज सी दैट दीज लॉज आर ओबेड। अब पुलिस फोर्सेज का काम होता है कि वो देखें कि लॉज जो है वो लोग ओबे कर रहे हैं सही से या नहीं कर रहे। वट हैपन टू द पीपल हु आर कॉट ब्रेकिंग द लॉ, मतलब उन लोगों के साथ क्या होता है जो रूल तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं? वैन समवन डज ब्रेक द लॉ, जब कोई लॉ तोड़ता है, ही और शी कैन बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत, तो वो पुलिस उसको पकड़ लेती है, ठीक है, अरेस्ट कर लेते हैं। डिटेल, नेम द डिफरेंट कोर्ट्स वी हैव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मौजूद डिफरेंट कोर्ट्स के नाम बताने हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कोर्ट इन द लैंड। अब लैंड के अंदर खत्ते में, लैंड की ज़मीन में, हमारी ज़मीन में, मतलब पाकिस्तान में सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है? द सेशन कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये तीन कोर्ट्स के नाम आ गए। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच अ जज डिसाइड अ केस। किस तरह से एक जज जो है वो डिसाइड करता है केस को, वो प्रोसेस बताना आपने। व्हेन समवन इज चार्ज विद अ क्राइम, जब कोई भी यानी कि कोई जुर्म करता है और पकड़ा जाता है, ही टेकन टू कोर्ट, उसे कोर्ट लाया जाता है। अ लॉयर विल टेल द जज अबाउट द क्राइम। जो लॉयर होते हैं वकील, वो जज को क्राइम के बारे में बताते हैं, ठीक है। अनदर लॉयर अ डिफेंस लॉयर, एक और लॉयर जो होता है, जो यानी कि मुजरिम होता है उसकी साइड का होता है, उसे डिफेंस लॉयर बोलते हैं, ठीक है, जो उसको बचाने की कोशिश करता है। विल स्पीक फॉर द पर्सन हु हैज़ कमिटेड द क्राइम, वो उसकी तरफ से बोलता है जिसने जुर्म किया हो। विटनेसेस टू द क्राइम मे ऑल्सो बी कॉल्ड टू गिव एविडेंस, जो विटनेस होते हैं मतलब गवाहान को यानी कि एविडेंस वगैरह देने के लिए बोला जाता है। देन द लॉयर आर्ग्यू द केस, फिर लॉयर्स जो है वो दोनों आर्ग्यू करते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं। एंड द जज लिसन्स टू बोथ द साइड्स, और फिर जो जज होते हैं वो दोनों साइड्स को सुनते हैं कि दोनों जज क्या कह रहे हैं, ठीक है। देन ही गिव हिज डिसीजन, फिर जो जज है वो अपना डिसीजन देता है। ये डी है, ए नहीं है, ठीक है, यहाँ पे DECISION, डिसीजन। अब आप लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिखने हैं और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी लिखने हैं, ठीक है, और याद भी करने हैं। टेक केयर एवरीवन।